सारी क्रीम छोड़कर बस मुल्तानी मिट्टी में ये चीज़ें मिलाकर लगा लो, चेहरा इतना गोरा हो जाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ब्यूटी सीक्रेट इन हिंदी। आई एम अर्शी। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर टू गुड एंड टू पॉजिटिव। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे आप जो है मुल्तानी मिट्टी के हेल्प से बिना किसी क्रीम के यूज़ किए, बिना किसी फेशियल के यूज़ किए अपने स्किन को सॉफ्ट एंड फेयर बना सकते हैं। तो आपको किसी यहाँ पे सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी पार्लर जाने की ज़रूरत है। तो आप जो है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए आपका समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे मुल्तानी मिट्टी, यानी जो मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो चिकनी आपकी स्किन को मुलायम बनाने के साथ साथ आपकी सुंदरता बढ़ाने में भी हेल्प करती है। खूबसूरती को बनाए रखने के साथ साथ जो मुल्तानी मिट्टी होती है वो सौंदर्य गुणों से भरपूर होती है। मुल्तानी मिट्टी का यूज़ जो है बढ़ती उम्र को छुपाने के लिए भी किया जाता है। इसके साथ ही चेहरे को ठंडक देने के लिए, यानी अगर आप चेहरे पर टैनिंग हो चुकी है आपके, आपका फेस पे जो है वो इचिंग प्रॉब्लम है, ब्लीच सबका फेशियल से आपका जो है चेहरा जल रहा है, तो मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करके आप अपने स्किन को हेल्दी बनाए रख सकते हैं। तो विंटर सीज़न में जो है मुल्तानी मिट्टी जो स्किन केयर के लिए काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा ब्राइटनिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी का पैकेट हमने ले लिया था। आप यहाँ पे 1 से 2 चम्मच जो है मुल्तानी मिट्टी ले लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गुलाब जल। गुलाब जल जो है स्किन के बैलेंस को बनाए रखने से लेकर आपके पीएच को मेंटेन रखने तक, डस्ट को हटाने तक, रिमूव करने तक, क्लीन करने के लिए आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। सारी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है स्किन से रिलेटेड। तो आप जो यहाँ पे अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो भी आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही सेंसिटिव स्किन के लिए भी ये आप बेझिझक होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गुलाब जल लेना है 1/2 चम्मच और मुल्तानी मिट्टी पाउडर में डाल देना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच कोकोनट ऑयल। विंटर सीजन है तो जिस तरह स्किन ड्राई होने लगती है नारियल का तेल जो है बेस्ट माना जाता है। इसके साथ ही झुर्रियाँ हटाने के लिए, एक्ने प्रॉब्लम के लिए, मेकअप को रिमूव करने के लिए नारियल का तेल का इस्तेमाल किया जाता है। आपको जो है प्योर नारियल का तेल लेना है। यहाँ पे मैंने खुला हुआ नारियल का तेल लिया था जो एकदम प्योर था। इसके बाद हम नारियल का तेल जो है 1 छोटा चम्मच ऐड कर देंगे और इस पेस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वाटर। जितना आपको चाहिए उतना पानी आप ले सकते हैं। इसको डालने के बाद पानी को 1 से 2 चम्मच आपको जो है अच्छे से मिक्स करना है। ये जो है काफ़ी क्रीमी और सॉफ्ट पैक बन जाएगा अगर आप इसे अच्छे से मिक्स करते हैं तो। इसके बाद जो है आप इसे अपनी स्किन पर अप्लाई करें। अप्लाई करने से पहले आपको याद रहे आपकी स्किन जो है वो एकदम सॉफ्ट और क्लीन और नीट होनी चाहिए। तो आप जो अपने फेस पर हल्के प्रेशर से मुल्तानी मिट्टी को जो है लगाने के बाद आप देखेंगे जो आपके चेहरे पर है वो ठंडक आपको महसूस होगी। जितने भी चीज़ हैं हमने इसमें ऐड करी हेल्थी हैं, सारी बेनिफिशियल है, बेनिफिट से भरपूर हैं। इसके बाद आपको 15 से 20 मिनट तक इसको लगाना है, फेस पर लगे रहने देना है। देन इसके बाद आपको इसको ताजे पानी से वॉश कर लेना है। आपको जो रिजल्ट हैं डेफिनेटली आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में ही दिखाई देंगे क्योंकि ये है ही इतना ब्यूटीफुल पैक। तो आपको जो है आपकी स्किन गोरी नज़र आएगी और आपकी जो डेड स्किन है वो भी निकल जाएगी। तो सारी चीज़ इसमें बेनिफिशियल है। तो आपकी जो स्किन है वो सॉफ्ट और सपल भी हो जाएगी। तो आप भी जो है इसका यूज़ करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। सी यू सून इन अ नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय एंड स्टे सेफ।